साहित्य जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में नाटक एवं एकांकी। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। ये भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए ये समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण हिंदी के अपने रंगमंच का अभाव है। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी नहीं। स्वांग, नौटंकी, विदेशिया, सफेड़ा यानी सपेरा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य रूप हैं, किंतु परिनिष्ठित साहित्यिक रंगमंच का उससे कोई व्यावहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानता पाठ्य रचनाएं हैं। अब तक केवल भारतेंदु के नाटकों के विषय में ही ये बात कही जा सकती है कि उनका जीवित संबंध हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा से रहा है। पहले से लिखने वाले अनेक नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना करते रहे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 1958 में गांधी जी पर मृत्युंजय रचा। उदय शंकर भट्ट ने 1949 में शक विजय और 1955 में नया समाज आदि लिखा। स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने 1951 में कोणार्क, 1959 में शारदीया, 1969 में पहला राजा और 1974 के आसपास दशरथ नंदन लिखा। इन नाटकों का महत्व विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है, अभिनेयता या रंगमंच की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। गीती नाटकों की परंपरा में 1955 में धर्मवीर भारती का अंधा युग निसंदेह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेयता भी पुष्ट है। महाभारत के अंतिम अंश को द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। एक दूसरा उल्लेखनीय गीति नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई है, जो 1963 में लिखा गया है। मोहन राकेश अब तक स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्य कृतियों को समकालीन बोध से कुशलतापूर्वक संयुक्त किया। 1958 में आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई है। रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं रहती। प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 1969 का आधे अधूरे स्वातंत्र्योत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है,
जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का ये एहसास हमारे युग की नियति है। मोहन राकेश का 1963 में एक अन्य प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस है। ये अश्वघोष की कृति सौंदर नंद पर आधारित है। ১৯৫৫ में लक्ष्मी नारायण लाल ने अभावग्रस्त ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं में प्रस्तुत किया। 1959 मादा कैक्टस, 1962 रक्त कमल आदि उनके प्रतीकात्मक नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अभिनेयता होती है और वे रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तोता मैना यानी सगुन पंछी उनकी एक प्रयोगात्मक रचना है जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और आठवां सर्ग की रचना की है। इनके नाटकों का विषय सामाजिक, पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राक्षस आदि ने भी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भीष्म साहनी ने हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और मुआवजे की रचना की है। दूधनाथ सिंह का यमगाथा नाटक राजनीतिक थिएटर की नई संभावना जगाता है, तो हमीदुल्ला का उलझी आकृतियां व्यवस्था विरोधी नाटक है। मृदुला गर्ग ने अपने नाटक एक और अजनबी में यौन विकृतियों का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद सफल उल्लेखनीय एकांकी बहुत कम रचे गए हैं। बात यह है कि एकांकी के नाम पर अधिकांशतः रेडियो एकांकी ही लिखे जाते हैं, जो बहुत कुछ सामयिक विषयों पर और रेडियो की मांग पर तैयार किए जाते हैं, किंतु उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रसिद्ध एकांकीकार केवल रेडियो एकांकी नहीं लिखते थे। रेडियो एकांकियों का साहित्यिक स्तर प्रायः बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम नाम उभर कर आए। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल आदि नाटककारों ने एकांकी भी लिखे हैं। एकांकी विधा को अपनाने वाले रचनाकारों में विनोद रस्तोगी और चिरंजीत भी उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः नाटक ऐसी विधा है जो वस्तुनिष्ठता की बहुत मांग करती है। नाटक केवल लिखा नहीं जाता, वह अभिनीत होकर दर्शकों से तादात्म्य स्थापित करने के बाद पूरा होता है। इस दृष्टि से हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं प्रतीत होते। इस युग में कथनी करनी के अंतर का जो बोध है उसे प्रकट करने के लिए नाटक सर्वोत्तम विधा है। इसीलिए अन्य साहित्य विधाओं में नाटकीयता का महत्व बढ़ गया है। हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा का थोड़ा बहुत उत्थान जन नाट्य मंच इप्टा में दिखलाई पड़ा था। हबीब तनवीर के आगरा बाजार और चरणदास चोर को हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा की उल्लेखनीय कृतियां समझना उचित होगा। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में नाटक एवं एकांकी।
साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर नीरज यादव और पोर्शिया मुखर्जी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।